बिस्मिल लगती है कि बादल है आज। क्या हाल है, कैसी बारिश हो रही है? चैनल को सब्सक्राइब करें भाइयों। पाकिस्तान की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर कुछ उम्मीद नज़र आ रही है बारिश की। मौसम एकदम चेंज हुआ है कल की तरह। आज सुबह से शदीद तरीन गर्मी थी, तकरीबन 42 और फीलिंग जो थी 48 थी। अब एकदम बादल आए हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बादल आए हैं और उम्मीद ये की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करके बारान रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। इस वक्त हवा बंद है, बिल्कुल हब्स हो चुका है और बादल आ चुके हैं। अब ये बरसेंगे कि नहीं, ये तो मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है। कल भी कराची में तेज़ हवा चली थी, आंधी टाइप की। मौसम बना हुए से इंतज़ार में है कि शायद बारिश शुरू हो जाए तो बारिश के मज़े ले लें और गर्मी का ज़ोर टूटे। कहाँ कहाँ बारिश के इम्कानात हैं या हो रही है, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इस वक्त बिल्कुल हब्स हो चुका है, हवा बिल्कुल रुकी हुई है और बादल गहरे हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या पोजीशन होती है, आज बरसता है कि नहीं बरसता। जबकि पेशन गोई तो ये थी आज से कि बारिशें शुरू हो जाएंगी। अगर हवा रुकी हुई है तो इसका मतलब है कि बारिश हो सकती है, और अगर तेज़ हवा चल गई तो शायद बादल निकल जाए। लेकिन बादल जिस तरीके से गहरे हो चुके हैं और कुछ देर पहले शदीद तरीन धूप निकली हुई थी, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। अब देखना यह है कि बारिश होती है कि नहीं होती। जैसी बारिश होगी, लीजिए हम अपने कैमरे को कवर में डालने के लिए मसरूफ़ थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी अब मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है और काले बादल आ चुके हैं, बारिश हो रही है। लेकिन अभी इतनी तेज़ बारिश नहीं है, जबकि दूसरे इलाकों में जैसे नॉर्थ कराची का इलाका हो गया, फेडरल बी एरिया हो गया, गुलबर्ग टाउन हो गया, सदर हो गया और टावर पर शदीद तरीन बारिश बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त नाज़ाबाद में बारिश नॉर्मल है, यानी कि कभी एक जब स्टार्ट हुई थी तो काफ़ी तेज़ थी, लेकिन अब ज़रा हल्की है, बीच बीच में एकदम तेज़ हो रही है। तो दुआ है कि बारिश ज़रा ठीक ठाक तरीके से हो जाए ताकि जो गर्मी का ज़ोर है वो टूट जाए। हमारे दोस्त हैं, उनका हमसे राबता हुआ, हमने उनसे पूछा वो इस वक्त कहाँ पर हैं, तो उन्होंने बताया है कि हम सदर में हैं और इस वक्त इतनी शदीद बारिश है, जगह जगह पानी जमा होना शुरू हो चुका है। तो चलो थोड़ा बहुत रोड की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं। ये जैसे मैंने आपसे जिक्र किया ना, अभी इतनी तेज़ बारिश नहीं है और सामने आम वाला भी आ रहा है। अब आम भी महंगे हो चुके होंगे, ज़ाहिर बात है। क्या हाल है, कभी तेज़ हो रही है बारिश, कभी स्लो हो रही है। थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, ये देखें आप, अब इस टाइम थोड़ी तेज़ हो चुकी है बारिश, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहरहाल गर्मी का ज़ोर जो है वो टूट चुका है और मौसम में ठंडक आ चुकी है। बदुआ यह है कि ये बारान रहमत
चलती रहे एक दो घंटे, ताकि यह है कि जो गर्मी का जोर है वो ख़त्म हो। कैसी बारिश हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है। नदीम गुल को सब्सक्राइब करें भाइयों, और लाइक करें और कमेंट अच्छे अच्छे करें। इसको पहचान दें, ये हमेशा मंडी पे आपको नज़र आएगा ये बच्चा, अमेजिंग कैटल पाकिस्तान की वीडियो में। दोस्तों, बारिश रुकने के बाद, असर की नमाज के बाद हम चाय की तलब लगी है और हम चाय पीने बैठे हैं और सामने फिर एक दफ़ा बादल आना शुरू हो चुके हैं। मौसम इंतहाई दिलकश हो चुका है, बड़ी प्यारी हवा चल रही है और मौसम में काफ़ी ठंडक आ चुकी है। और दुआ यही है कि अब वो जो गर्मियां चल रही थी मई और जून की, वो ख़त्म हो। अल्लाह ताला से दुआ है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें शुक्रिया का मौका अदा कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और जगह, किसी और अपडेट के साथ। अब बाइक के ऊपर निकलेंगे और फिर आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे। तो फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।